प्यासे प्यासे मेरे नैन, ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे मास्टर निषाद के साथ और ढोलक पर साथ दे रहे हैं राजेंद्र जी तमामी, इस गीत में जिस तरह का ये ठेका बज रहा था ढोलक पर, ये भी एक कहरवा का ही प्रकार है। कहरवा के प्रकार आप अब तक सीखते आ रहे हैं और लग्गी भी आपने सीखी है। आज हम आपको कहरवा का ये एक और प्रकार, इस तरह के कुछ गीत होते हैं। अब हम फिल्मी गीत आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि YouTube की तरफ से कुछ ऐसी बंदिशें हैं जिसकी वजह से हम फिल्मी गीत नहीं गाएंगे यहाँ पर। और मेरे खुद के लिखे हुए कुछ गीत होंगे, उनकी जो धुनें हैं वो हम आपको वक्त वक्त पर सुनवाते रहेंगे और ढोलक के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है ये भी आपको बताते रहेंगे। अभी जो गीत गाया मैंने लिखा है, पंडित अवध किशोर पांडे की रचना है और कंपोजिशन भी मेरी है, और ये जो गा रहे हैं मास्टर निषाद, ये मेरे पुत्र हैं, और राजेंद्र जी दमामी जो यहाँ इस पर ढोलक पर साथ दे रहे हैं वो हमारे यहाँ के एम्प्लॉई हैं और बहुत अच्छा बजाते भी हैं, अच्छा सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स को। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो ठेका अभी बजाया उसके क्या बोल हैं, कैसे कैसे बोला जा रहा है और किस तरह से बज रहा है। बजा दीजिए एक बार ठेका। इस तरह से ये ठेका चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्लो में देख लीजिए कि इधर जो राइट हैंड है उस पर कैसे उंगलियां चल रही हैं, इस पर थोड़ा सा और स्लो कर दीजिए। ता ती ना धिन, धिन पे कैसे बज रहा है, दोनों हाथ इस तरह से, और ता, हाँ ता ती पहले फर्स्ट उंगली लग रही है, हाँ ऊपर जो आप देख सकते हैं अंगूठे में कुछ रिंग्स भी पहन रखी है, पहले वो लग रही है और फिर हाथ की उंगलियों का काम है। और स्लो करके बताइए, ता ती ना, हाँ जो रिंग लग रही है उसके साथ पहली उंगली भी अगर लग जाए और कितनी बार ये बीच में ताते ना तीन बार आया,
लेफ्ट हैंड भी दिखा दीजिए एक बार, किस तरह से उधर हाथ चल रहा है इन उंगलियों के साथ साथ। अब पूरा ठेका एक साथ स्पीड के साथ थोड़ी सा, कुछ आरतियों में भी इस ठेके का प्रचलन है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिध्वज कृष्ण मुरारी की, ये जो आरती बजती है वो इसी ठेके में है। और कई फिल्मी गीत, कहीं कहीं नाव का सीन दिखाने के लिए इस तरह के ठेके का प्रयोग होता है। बहुत सारी फिल्मों के गीतों में इस ठेके का प्रयोग हुआ है और जनरल प्रचलन में भी खूब सारे गीत हैं जिन पर ये इस तरह से बजता है। इस तरह से ये ठेका आप सीख लेंगे। और अब बात चल रही थी दादरा की, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने थोड़ा सा दादरा सिखाया था, धा धिन्ना धा धिन्ना। तो धा धिन्ना कैसे बज रहा है एक बार देख लीजिए फिर, ये आप पहले कर चुके हैं। अब इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड और स्टाइल, हाँ अलग स्टाइल में कैसे होगा ये, यही दादरा। दोनों तरफ से हाथ देख लीजिए किस तरह से दादरा बजाया जा रहा था। दूसरी तरफ कैसे हाथ चलता है वो भी एक बार और देख लीजिए आप। इस तरह से ठेके में मोहरा लगा दिया जाता है। मोहरा उधर से दिखा दीजिए बल पलट के, ता 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 तिरगड़े तेत्ता। तिरगड़े हम आपको सिखा ही चुके हैं। थप्पी कैसे लग रही है इसमें, ये थप्पी वाला जो काम है उसको थोड़ा स्लो मोशन में एक बार दिखा दीजिए।
है वही धादिन्ना धादिन्ना, थोड़ा सा बजाने का तरीका अलग करके उसको थप्पी में ऐसे हाथ को पूरा बंद करके, किस तरह से हाथ को बंद किया जा रहा है उसको देख लीजिए और उसको ऐसे लगा दीजिए इस जगह से, हाँ ठक करके आवाज। एक और इसमें बीच में त्याही टाइप का एक मोहरा जैसा ही होता है जो लाइन के एंड में बजाते हैं, धे धे तक धे धे तक धे धे तक धा, ये भी बीच में आता है, इस पे एंड कर सकते हैं, इस तरह से गीत का एंड होता है, शुरुआत भी कर सकते हैं ऐसे, हाँ एंड भी कर सकते हैं, एंड भी ऐसे। इसके हाथ दोनों तरफ से दिखा दीजिए, ये जो धे धे तक धे धे तक धे धे तक धा, थोड़ा सा स्लो करके, उस तरफ से जो गुजरात और राजस्थान में जो गरबा का प्रचलन है, अब तो पूरे भारत में ही हो गया धीरे धीरे, गरबा जो नवरात्रि में माताजी के भजनों पर जिस तरह से ठेका बजता है गरबे में, तो उस गरबे का एक स्टाइल है, वो दादरा ही है, ज़्यादातर उसमें दादरा ही बजता है, दादरा के ही गीत होते हैं, है ना, गरबा स्टाइल के, तो उस ठेके को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कैसे बजता है, वो दादरा में ही है। पलटते जाइए,